हमारे समाज में कुछ रीति रिवाज हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, और इसी रिवाज में पहले के समय में एक विधवा प्रथा चलती थी, सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा उसको बोला जाता था, अगर जो पति मर गया हो तो पत्नी को भी साथ में ही सती कर दिया जाता था, यानी कि पत्नी को भी साथ में ही जला दिया जाता था। फिर कुछ समय बीता और इस प्रथा को बदल दिया गया। फिर जैसे जैसे लोगों को जीवन अपना गुजारते थे, वैसे विधवाओं को भी अपना जीवन जीने का हक मिल गया। धीरे धीरे थोड़ा और समय बदला और तो विधवाओं को भी सामान्य जीवन जीने का अधिकार मिल गया। वह लोग भी जैसे सब लोग अपना फैसला करते थे, वैसे विधवा भी अपना फैसला कर सकती थी, अपने हिसाब से शादी विवाह कर सकती थी, अपना जीवन अपनी मर्जी से के हिसाब से जी सकती थी। आज की जो घटना है एक ऐसे ही विधवा महिला की घटना है, मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। उस महिला के साथ आखिर क्या होता है, उस विधवा महिला को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा कि उसकी हत्या कर दी जाती है, तो इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, यह घटना कानपुर के एक छोटे से गांव रामपुर की है। रामपुर में एक विद्यालय रहता है, उस विद्यालय में एक टीचर रहती है, इनका नाम रीता होता है। रीता के पति का नाम संतोष होता है और उसके दो बच्चे होते हैं, यानी दो बच्चे रहते हैं। रीता के दो बेटे रहते हैं, दोनों लड़के होते हैं, और रीता जो होती है एक टीचर होती है सरकारी स्कूल में। उसके पति घर पर बच्चों को संभालते थे और रीता सरकारी नौकरी करती थी। दोनों का जीवन बड़े खुशी खुशी बीत रहा होता है। फिर भी कुछ समय बीतता है, रीता कुछ पैसे इकट्ठे करती है, इसके बाद उसी कानपुर शहर में एक जमीन ले लेती है, उस पर एक बड़ा सा घर बनाती है, घर बड़ा आलिशान बनता है। धीरे धीरे समय बीतता है, एक दिन एक दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना के अंतर्गत उसके पति की मृत्यु हो जाती है। रीता की जो उम्र होती है लगभग 40 वर्ष होती है, बच्चे भी कुछ बड़े हो चुके होते हैं, पढ़ाई लिखाई इन सब की चल रही होती है। पति के जाने के बाद बहुत अकेली हो जाती है, आखिर पति का साथ एक औरत के लिए बहुत जरूरी होता है। बाकी अब रीता अपने बच्चों के साथ कानपुर शहर में जो घर बनाया हुआ होता है उसी में रहने लगती है, अपना जीवन गुजारने लगती है, और सरकारी टीचर थी, धीरे धीरे सामान्य रूप से उसका जीवन अच्छे से चल रहा होता है। इसी बीच में उसके लड़कों की नौकरी अलग अलग शहरों में लग जाती है, लड़के अपने अपनी नौकरी पर चले जाते हैं। कुछ समय और बीतता है, लड़कों की शादी भी हो जाती है और वह अपनी पत्नियों को भी ले जाकर जहाँ पर वह नौकरी किया करते थे, जहाँ पर अपनी जॉब किया करते थे, वहाँ चले जाते हैं। इसी बीच में जो रीता होती है वह अकेली हो जाती है। लगभग जो रीता की उम्र होती है 45 साल हो चुकी होती है, 45 की उम्र में रीता बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब यह सोचती है इतना बड़ा घर है, मैं अकेले रहती हूँ तो क्यों ना करें, जो इसमें कमरे खाली हैं उनको किराए पर दे दूँ। तभी जहाँ पर रीता पढ़ाया करती थी स्कूल में, वहीं पर एक हेडमास्टर होता है, जो हेडमास्टर होता है उसका नाम राजेंद्र होता है। हेडमास्टर स्कूल में आते हैं और वह दूर शहर से उनका ट्रांसफ़र होकर आते हैं, हेडमास्टर के पद पर होते हैं, तो उनको कमरे की ज़रूरत होती है। रीता उनसे कहती है कि सर हमारा बहुत बड़ा घर है, सर आप हमारे घर पर रेंट पर रह लीजिए। हेडमास्टर को यह बात बहुत पसंद आती है कि हमारे स्कूल की जो टीचर है उनका घर है और हमें आने जाने में साथ रहने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वह रीता के घर पर कमरा किराए पर ले लेता है और ले जाकर वहीं पर रहने लगते हैं। रीता को भी एक परिवार का साथ मिल जाता है, जो राजेंद्र होते हैं उनके परिवार में उनकी पत्नी होती है, उनकी माँ होती है, उनका एक बेटा विशाल होता है और बेटी तन्नु होती है, इतने लोग रहते हैं। चार लोगों के बीच में जो रीता होती है वह भी अपने आप को एक परिवार का हिस्सा समझने लगती है। धीरे धीरे समय अच्छे से गुजरने लगता है, रीता का भी काम अच्छे से चल रहा होता है, किराया उसको मिलता रहता था और साथ ही साथ उसको फैमिली का सपोर्ट, एक फैमिली का साथ भी मिल जाता है। रीता के बेटे बहू कभी कभी आते थे तो रीता अकेले ही यहाँ पर कानपुर में रहती थी, अपनी नौकरी करती थी और अपना गुजर बसर यहीं पर रहकर करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है, जो राजेंद्र होते हैं उनकी जो पत्नी माही होती है उसको एक बहुत भयानक बीमारी हो जाती है जिसको कैंसर कहते हैं, और कैंसर इतना बढ़ जाता है कि एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। जो राजेंद्र रहते हैं उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब जब राजेंद्र की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने बच्चों के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है तो जो तनु और विशाल होते हैं वह बाहर पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं, और यह लोग पढ़ने के लिए जब चले जाते हैं तो घर पर सिर्फ रीता और हेडमास्टर यानी कि जो राजेंद्र होते हैं ये दो लोग ही बचते हैं। अब धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहते हैं, कभी कभी एक दूसरे के नज़दीक आ जाते थे, एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, इस उम्र में एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा लेते हैं, दोनों एक साथ रहने की कसम खाते हैं और एक दूसरे से अब पति पत्नी की तरह संबंध भी बनाते हैं और इसी घर में अपना जीवन सुखी से जीने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है,
एक बार जो राजेंद्र का बेटा होता है और जो बेटी होती है अचानक से घर पर आ जाते हैं। संडे का दिन होता है, जब अचानक से घर पर आते हैं तो वो लोग सोचते हैं क्यों ना पापा को सरप्राइज दिया जाए। जब वह आते हैं दोपहर का समय होता है, दरवाजा अंदर से बंद होता है, खिड़की से अंदर को झांक कर देखते हैं कि पापा तो कहीं सो ना रहे हों, तो वह दोनों खिड़की से झांकते हैं। जब वह खिड़की से झांकते हैं, जो झांकने के बाद जो वह नज़ारा देखते हैं, वह नज़ारा देखने के लायक नहीं होता है। बच्चे देखते हैं कि हमारे पिता यानी राजेंद्र और जो रीता होती है, आंटी होती है, जिनकी उम्र लगभग 40 से 50 के बीच में होती है, दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में इस बात को जो बच्चे देखते हैं, देखकर वह हैरान रह जाते हैं। दोनों बरामदे में बैठ जाते हैं और कुछ देर के बाद दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने के बाद थोड़ी देर के बाद जो राजेंद्र होता है वह बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर निकल कर देखता है कि जो उसके बच्चे होते हैं वहाँ पर बैठे होते हैं। वह अपने बच्चों को देख कर चौंक जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कब आए। बच्चे जो होते हैं सारी बात जानकर भी वह सारी बातों को छुपा लेते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि माँ के जाने के बाद हो सकता है पिताजी को अकेलापन महसूस होता हो, इसलिए यह आंटी से संबंध बना रहे होंगे। छोड़ो, जाने दो, इन दोनों की ज़िंदगी है, यह लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। जो बच्चे होते हैं कुछ नहीं कहते हैं। बच्चे इस बात को अपने पिता को बिना बताए 2-4 दिन वहाँ पर रहते हैं, फिर अपनी पढ़ाई के लिए वापस चले जाते हैं। अब धीरे धीरे इन लोगों का प्रेम प्रसंग ऐसे ही चलता रहता है। कभी कभी जो रीता के बेटे होते हैं, जो उसकी बहू होती है, वो भी आते थे, तो उन लोगों को साथ जब वो लोग देखते थे तो उन लोगों को भी कुछ अजीब सा नहीं लगता था, क्योंकि वो लोग दोनों परिवार की तरह ही रहते थे। उन लोगों को लगता था कि ये बुजुर्ग है तो अब इन लोगों के बीच में क्या हो सकता है। ये लोग अपने अपने जीवन को जी रहे होते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जब समय कुछ आगे बढ़ता है तो जो राजेंद्र थे वह अपने बच्चों को पैसा भेजना बंद कर देते हैं। बच्चे जहाँ पढ़ाई करते थे वहाँ परेशान हो जाते हैं। जो विशाल था, जो तनु थी, उसको पैसे नहीं भेजा जाता था। अब यह जब बाहर काम करके कोचिंग पढ़ा करते थे, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहे, जब एक दिन हद हो गई तो दोनों वापस अपने घर वापस आ गए और अपने पिता से पूछा कि पिताजी आप हमें फीस के लिए पैसे क्यों नहीं भेजते हैं। तब राजेंद्र उनको कहता है कि ऐसी बात है, इस समय मैं सस्पेंड हो चुका हूँ, मेरी तनख्वाह आधी हो गई है और इससे हमारा बस खाली गुजारा ही चल रहा है। किसी तरह से रेंट दे पाता हूँ, अपना खर्च चला पाता हूँ, दवा चला पाता हूँ, बाकी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब जो विशाल होता है वह पता करता है, स्कूल में जाकर पता करता है, वहाँ से पता चलता है जो उसके पिताजी राजेंद्र होते हैं उनको वहाँ से पूरी तनख्वाह मिलती थी, पूरी पेमेंट मिलती थी। यह अब जो उनका बेटा होता है वह घर चला आता है, पिता से बहस होती है कि पिताजी आप इतने पैसे क्या कर रहे हो, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमारी पढ़ाई लिखाई में लग रहा है। जो राजेंद्र होता है वह सीधा मना कर देता है। इसके बाद 2-4 दिन बीतते हैं। अभी तनु और विशाल यहीं पर रुके हुए होते हैं, कानपुर में ही होते हैं। तो राजेंद्र जो होता है उसको उसकी पेमेंट मिलती है, जो पेमेंट मिलती है वह सीधा लाकर रीता के हाथों में दे देता है। जब यह बात विशाल देखता है तो कहता है कि आंटी को आप इतने रुपये क्यों दे रहे हो। तो वह राजेंद्र बोलता है कि हमारे पैसे हैं, हमारे रुपये हैं, हम चाहे जो करें, हम चाहे जिसको दें। अब यह बात जब विशाल को बड़ी ख़राब लग जाती है, राजेंद्र तो यह बात कहकर अपने गांव चला जाता है। उनका गांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वह उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। जो टीचर रहते हैं राजेंद्र उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। अब इसी बीच में जो विशाल और तनु वहीं पर रह जाते हैं। जो तनु होती है, जिस दिन उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं, तनु जो होती है अपने भाई से कहती है कि मुझे भी अपनी क्लास के लिए गैप हो रहा है, मैं जा रही हूँ। तनु भी वहाँ से चली जाती है। जो विशाल होता है वहीं पर रह जाता है। जब विशाल वहाँ पर अकेला होता है उसी समय रीता भी घर पर होती है, अकेली होती है। विशाल रीता के कमरे में घुसता है, रीता को पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि मेरे पिता सारे पैसे तुमको देते हैं। तुम जो करती हो सब कुछ मुझे पता है, तुम हमारे पिता के साथ संबंधों में, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पिता का सारा पैसा ले लिया करोगी। शायद तुम्हें नहीं पता है कि हमारे खर्चे जो हैं कैसे चल रहे हैं। जो रीता होती है बड़े कड़े शब्दों में बोलती है, तुम्हारे पिताजी की प्रॉब्लम है, वह जाने तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा, हमें नहीं पता। जब वह ऐसी बात करती है, जो होती है विशाल से जब ऐसी बात करती है, जो विशाल होता है ऐसी बात को सुनता है तो उसके सिर पर खून सवार हो जाता है और वह उसी समय उसके साथ हाथापाई करने लगता है और रीता के गले को दबाता है। जो टीचर होती है उसके गले को दबाता है और इतनी देर तक दबा के रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते, जब तक वह मर नहीं जाती है। जब रीता की मृत्यु हो जाती है तो वह उसके साथ हैवानियत भी करता है और वह जो लड़का होता है वह उसके साथ रेप भी करता है, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होता है। हुई एक औरत
के साथ, बुजुर्ग महिला के साथ वह लड़का रेप करता है। इसके बाद वहाँ से रुपए पैसे लेकर जो रीता रखी हुई थी उनको ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे 2-3 दिनों का समय बीतता है। जब रीता के बच्चे रीता को फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन नहीं लगता है। दोनों अपने अपने जॉब से भाग कर आते हैं कि कहीं माँ की तबीयत खराब तो नहीं हो गई है। जब वह राजेंद्र को फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि वह अपने गाँव जा चुका है, उत्तर प्रदेश जा चुका है। जब उनको पता लगता है कि राजेंद्र वहाँ पर नहीं है, जो उसके दोनों बच्चे होते हैं, वह दोनों भागकर कानपुर आते हैं। जब वह घर पर पहुँचते हैं, जब देखते हैं कमरे में जो उसकी रीता होती है उसकी लाश मिलती है, उसकी सूचना जो होती है वह कानपुर पुलिस को दी जाती है। पुलिस आती है, अब सारी बातों को जांच पड़ताल करना शुरू करती है, लोगों से पूछताछ करती है, मोहल्ले वालों से, लोगों से पूछती है, जो मोहल्ले के लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है। तो लोग बताते हैं कि इसके साथ किराए पर राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति आज से कम 10 साल से रहते थे। जो आसपास के लोग होते हैं बताते हैं कि 4 दिन पहले जो उनका बेटा और बेटी थी ये सभी लोग यहीं पर थे, बाकी वो लोग यहाँ से कब चले गए हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो फिर उन लोगों को बुलाया जाता है जो राजेंद्र होते हैं, उनको भी बुलाया जाता है। राजेंद्र होता है वह बताता है कि जब मैं यहाँ से गया था तो यहाँ पर विशाल और जो तन्नू थी वह दोनों यहीं पर रहते हैं। जो उसकी बेटी तन्नू होती है तो उससे संपर्क किया जाता है, तो जो तन्नू होती है उससे पूछताछ की जाती है। जब तन्नू बताती है कि जिस दिन हमारे पिता यहाँ से उत्तर प्रदेश चले गए थे उसी दिन हम भी यहाँ से चले गए थे, तन्नू की जो कॉल डिटेल होती है पुलिस वाले उसको देखते हैं, तो यह बात सही साबित होती है। जिस दिन उसके पिता गए थे उसी दिन वो भी चली गई थी। बाकी विशाल उस दिन पूरे दिन पूरा रात वहीं पर जो फ़ोन की लोकेशन थी वहीं पर दिखाई जाती है। जब पुलिस वाले विशाल को पकड़ कर लाते हैं, विशाल से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो विशाल सारी बातों को उगल देता है कि जो औरत थी हवस की इतनी भूखी थी, हमारे पिता को फंसाती थी, हमारे पिता का सारा रुपया पैसा ले लेती थी और हम लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा था, इसलिए मैंने इसका मर्डर कर डाला है, मैंने उसको जान से मार दिया है। इसके बाद मुझे यह लगा कि औरत कितनी हवसी होती है, उसकी हवस आज तक पूरी नहीं हुई है, क्यों ना मैं भी इसके साथ ऐसा कर देखूं, आखिर इसमें कितना मज़ा आता है, इसके साथ रहने में कितना शांति मिलती है। मैंने उसके साथ रेप किया, सारे अपने गुनाह को कबूल करता है और वह जो लड़का होता है वह नाबालिग होता है तो उसे सुधार बाल गृह में भेज दिया जाता है और बहुत सारी संगीन धाराएं उस पर लगती हैं। बाकी जो रीता के साथ हुआ क्या वह होना चाहिए था, जो रीता राजेंद्र के साथ उस उम्र में यह सब कर रही थी क्या उसे ऐसा करना चाहिए था, क्या राजेंद्र अपने बच्चों के साथ जो कर रहा था वह ठीक कर रहा था। आप लोग अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताइए। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।